अच्छा, यहाँ पर एक अनदर एवरेज का क्वेश्चन लिया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए उसको करते हैं। देखते बच्चों क्या क्वेश्चन है। आपको एक पार्टिकल इन रिंग, रिंग के अंदर बच्चों एक पार्टिकल है, तो यहाँ पर ही मैंने रिंग बनाई है, इसके अंदर एक पार्टिकल है, इज इन स्टेट विद बे फंक्शन दिया हुआ है रिंग के अंदर है, तो एवरेज वैल्यू निकालनी है एंगुलर मोमेंटम की। तो हमें बच्चों एवरेज वैल्यू इस बार किसकी निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम की। तो एवरेज के लिए बच्चों ये सिंपल रहता है, फार्मूला क्या रहता है बच्चों, बे फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और जो भी ऑपरेटर जिसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उसका ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, साइफा और वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ। तो जो रिंग के अंदर पार्टिकल है तो लिमिट्स होंगी 0 to 2 पाई, क्योंकि रिंग के अंदर कितना रोटेशन होता है बच्चों, 0 से 2 पाई रोटेशन होता है। पाई स्टार कितना दे रखा है, 1/√π cos 2 फाई। बच्चों ऑपरेटर की वैल्यू है h/2π d/dφ, इसको किस पहले तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा बच्चों, हमने ऑपरेटर लिख दिया, फाइव पे अप्लाई करना है इसको, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं फाइव की वैल्यू, 1/√π cos 2φ। और बच्चों क्या लिखना है, वॉल्यूम एलिमेंट, यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट क्या है बच्चों, केवल डी फाई रिंग के अंदर है, तो फाइव एलिमेंट्स हो गया बच्चों, वन कोऑर्डिनेट, जी वन डायमेंशन, 0 to 2π। बच्चों यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, कौन सा, 1/√π ये कॉन्स्टेंट है बच्चों, और 1/√π भी, क्योंकि डिफ्रेंसेशन और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के नहीं होते। 1/√π और 1/√π ने मिल करके क्या बना बच्चों, 1/π, और ये बाहर निकाला h/2πi आ गया, अंदर जो लेफ्ट हो जाए कुछ बच्चों क्या हो जाए, cos 2φ। इसको यहाँ पर इस पर अप्लाई करेंगे बच्चों, डिफ्रेंसेशन करेंगे, तो हम जानते हैं cos 2π का डिफ्रेंसेशन क्या होगा, cos का क्या होता है -sin 2φ, फर्दर डिफ्रेंसेशन किसका करेंगे, 2φ का फर्दर डिफ्रेंसेशन किया जाता है d/dφ 2φ, इस तरह से हम डिफ्रेंसेशन कर दें बच्चों, और बाद में dφ। तो हमें पता है dφ का फाइव पे करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, केवल 2 आएगा निकल करके जो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लेते हैं, टू को आगे लिख देते हैं, 1/π h/2πi कांस्टेंट जो पहले लिखे हैं 0 to 2π, और बच्चों माइनस मैंने बाहर लिख दिया ये वाला, और यहाँ पर जो 2 था ये यहाँ लिख दिया 2sin 2φ और cos 2φ लिख दिया, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में क्या है, कम्यूट करती है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन नंबर्स को। तो जो हम एक रिलेशन अगर नहीं जानते तो याद कर लो, sin 2x का रिलेशन जो है 10th क्लास से जानते हैं क्या, 2sin x cos x, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी है, 2sin 2x cos 2φ। तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1/π h/2πi जो कॉन्स्टेंट चला है। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन हो गया किसका, अब इस फार्मूले से ये 2φ तो पहले ही है, 2φ 2φ, और ये बनता है sin 2x का फार्मूला, तो 4φ हो गया, 0 to 2π लिमिट, और बच्चों क्या dφ। अब यहाँ पर बच्चों -1/2π² i, अब बच्चों इसका जब sin 4φ का जो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों क्या होता है, साइन एक्स का होता है -cos x होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो तो कहाँ जाता है बच्चों, /4 जाता है, और लिमिट क्या है 0 to 2π, यानी का मतलब ये है बच्चों, अगर cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, -sin x का कह रहे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स का क्या होता है बच्चों, -cos ax/a होता है बच्चों ये, तो उसी से बच्चों उसी के बेसिस पे हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब बच्चों आगे देखते हैं, माइनस माइनस होगा प्लस, 1/2π² i cos 4φ/4 है, 4 को भी बाहर ले लिया मैंने, कॉन्स्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर ले लिया था तो प्लस कर दिया था, तो cos 4 × 2π अपर लिमिट माइनस cos 0 हो गया, नीचे वाली लिमिट रखी थी बच्चों, बिलो वाली ये लिमिट रखी तो 0 हो गया। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं, ये क्या हो गया बच्चों 8π,
अब बेब की जो 8 पाई की वैल्यू क्या होगी, आपको बेब से याद रखनी है, बेब इस तरह से चलती है बच्चों, कोस जीरो, जीरो पर कितनी वैल्यू होती है बच्चों, प्लस वन, पाई पे कितनी वैल्यू आती है, यहाँ पर माइनस वन, प्लस वन, फिर बच्चों 2 पाई चली तो अभी वैल्यू कितनी आती है, प्लस वन, इसी तरह से 4 पाई चलेगी बेब, प्लस वन, मतलब इवन नंबर्स जब रहेंगे तो वहाँ पर प्लस वन, तो 1/8 पाई स्क्वायर i, तो बच्चों यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी तो प्लस वन होगी, वन माइनस कोस जीरो की वैल्यू कितनी है, प्लस वन माइनस वन, तो ओवरऑल क्या है बच्चों, जीरो आया। तो रिंग के अंदर पार्टिकल जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, उसका मोमेंटम जीरो कैसा हो सकता है, क्योंकि रिंग के अंदर घूम रहा होगा तो बच्चों उसका पॉजिटिव मोमेंटम भी और निगेटिव, वो दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो एवरेज जो मोमेंटम यहाँ पर आ रहा है पार्टिकल का एवरेज मोमेंटम कितना है, जीरो निकल करके आया है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो आप क्या था और किस तरह से हमने किया है। तो यहाँ बच्चों वेव फंक्शन भी दिया हुआ था, पार्टिकल रिंग था, तो हमने लिमिट जीरो टू टू पाई रखी है, यहाँ पर वन कोऑर्डिनेट है क्या है, डी फाई है, तो ये वेव फंक्शन रखा, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रखा, यहाँ पर भी बच्चों ऑपरेटर रखा, फिर वेव फंक्शन रखा, फर्दर इसका फिर ये d/d इस पर अप्लाई होगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ पर sin2x=2sin x cos x, तो इस तरह से करते हुए बच्चों इसका जो फाइनली जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जीरो आया।